मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा कार्यालय पर आज एक कार्यक्रम के दौरान विविध पदों पर नियुक्तियां की गई। मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बशीर माजिद और जिला सदर मिर्जा अमजद बेग के हाथों MIM के ये पद वाटअप किए गए। उदगीर से ताल्लुक रखने वाले MIM के माजी नगर सेवक निवृत्ति सांगवे को मराठवाड़ा सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया गया, जबकि देगलूर से ताल्लुक रखने वाले समीर पटेल को शिक्षक सेल का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर लातूर के जिला अध्यक्ष सैयद ताहिर हुसैन भी उपस्थित रहे। फेरोज खान लाला, अब्दुल बशीर माजिद और मिर्जा अमजद बेग ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को MIM की विचारधारा और बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी की महत्वाकांक्षा से अवगत करवाया। फेरोज लाला ने सभी को मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से पार्टी का काम करने की नसीहत दी। मराठवाड़े के सेक्रेटरी की पोस्ट पर उदगीर शहर है उदगीर के लातूर ज़िले के उदगीर के निवृत्ति सांगवे साहब को सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया है। और हमारा जो मंशा है, हमारा जो इसके पीछे जो काम करने का जो मंशा है वो यही है कि जो हम डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जिस तरीके से आज पूरे मराठवाड़े में और महाराष्ट्र में दौरे लेकर घूम रहे हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मराठवाड़े की टीम को पुख्ता करना, मजबूत करना। हम हर ज़िले से, मराठवाड़े के जितने भी जो है ज़िले हैं उन पूरे ज़िलों से एक एक ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे एक एक जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता को मराठवाड़ा की टीम में शामिल करना चाहते हैं, जो इस कारवान को लेकर आगे बढ़े और अपने मकसद में कामयाब हो सके। हाँ सर, MIM पार्टी के वतीने आमचे राष्ट्रीय नेते माननीय असदुद्दीन अवेसी साहेब, महाराष्ट्राचे नेते इम्तियाज जलील साहेब 2016 मध्ये माझ्यावर विश्वास करून नगरपालिकेच्या वतीने बहुमतानं MIM पार्टीचे 7 नगरसेवक मी निवडून आणलं आणि त्याच पद्धतीनं उदगीर मतदारसंघातून MIM पार्टीची ताकद मोठी करण्यासाठी मराठवाड्यामध्ये आंबेडकर चळवळीला सोबत घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार संसदेमध्ये, जसं इम्तियाज जलील साहेब आणि असदुद्दीन अवेसी साहेब आंबेडकर चळवळीला मोठं करण्यासाठी पुन्हा एकदा मराठवाड्यामध्ये एक दलित आंबेडकरवादी चळवळीच्या माध्यमातून, जसं गेल्या बारला नगरसेवक म्हणून मला निवडून आणले, त्याच पद्धतीनं मराठवाड्यामध्ये MIM पार्टीची ताकद, आंबेडकर चळवळीची ताकद मुठ्ठी करण्यासाठी मराठवाड्यामध्ये MIM पार्टीचे मराठवाडा सरचिटणीस म्हणून मला आज निवड केल्याबद्दल आवशी साहेब आणि इम्तियाज जलील साहेब, गफ्फार साहेब, लाला साहेब, मोईन साहेबांचा मी आभार व्यक्त करतो। आणि आंबेडकर चळवळ आणि MIM पार्टी मराठवाड्यामध्ये OBC ला सोबत घेऊन एक MIM पार्टीची ताकद, कमीत कमी मराठवाड्यामध्ये 2-3 आमदार आणि एक राखीव मतदारसंघ उदगीर असल्यामुळे मी ह्या 100% मी MIM पार्टीचं खातं उघडल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं बोलून माझे शब्द संपूत। जय भीम, जय महाराष्ट्र। पार्टी मीटिंग के अंदर की टीचरों के अंदर जो मसाइल्स हैं वो मसाइल के मसाइल को हल करने के लिए और वो मसाइल को शासन के पास या यहाँ पर जिला परिषद लेवल पे, पंचायत समिति लेवल के ऊपर हल करने के लिए एक मजबूत ऐसा विंग टीचरों का होना ज़रूरी है। और उसके लिए जनाब फेरोज लाला साहब के सदारत में और उनके क़यादत में मुझे आज यहाँ पर नियुक्त किया गया है। उनके उनके मशवरे से मुझे आज यहाँ पर नियुक्त किया गया है जिला सदर के ऊपर। और मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनका पूरा का पूरा उनके जो विचारधारा है और उनकी जो सोच है वो यहाँ पर सरकारी लेवल पर और जो भी जहाँ पर टीचरों के मसाइल आ रहे हैं, चाहे सरकारी ऑफिस लेवल पे हो या नीचे लेवल पे हो ग्रामीण भाग पर, उनको पूरे के पूरा एक न्याय देने का काम इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पार्टी के टीचर्स विंग की तरफ से किया जाएगा, इसकी मैं गवाही देता हूँ।